बिग बॉस के फिनाले वीक से पहले बिग बॉस के इस बड़े कंटेस्टेंट का हुआ पत्ता साफ। सुम्बुल तौकीर खां के बाद ये कंटेस्टेंट होंगी बिग बॉस के घर से बाहर। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको भी बताते हैं कि कौन है वो कंटेस्टेंट, मिडनाइट इक्वेशन में किसका हुआ है शॉकिंग एलिमिनेशन। तो इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। दोस्तों बिग बॉस के घर में अब कहीं ना कहीं ऐसा लोगों को लग रहा है कि बिग बॉस अपनी अपनी छवि को साफ सुथरा दिखाने के लिए अपने ही बंदों की बलि देने को तैयार हैं। और ये मिडनाइट इक्वेशन की जब बात आती है तो आपको साफ सारा चीज़ें समझ आ जाएगा कि कैसे बिग बॉस ने उसकी बलि दे दी जिसको सबसे पहले टिकट टू फिनाले दिया गया था। तो आई होप कि आप लोग समझ ही गए होंगे। लेकिन वैसे मैं आपको ये बता दूँ कि बिग बॉस के घर में शॉकिंग मिडनाइट इक्वेशन हो चुका है निमृत कौर आहलूवालिया का, जिसके लिए सुम्बुल तौकीर खां की बलि दी गई, जिसके लिए अब प्रियंका चहर चौधरी एक तरफ से साइडलाइन किया गया, वो निमृत फिलहाल घर से बेघर हो गई हैं। वैसे निमृत कौर आहलूवालिया का इक्वेशन ज़रूर शॉकिंग था, लेकिन फैंस उतना ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं हुए हैं क्योंकि लोग की माने तो ये चाह रहे थे लोग कि जी हाँ बिल्कुल निमृत डिज़र्व नहीं करती हैं। कुछ लोगों की माने तो निमृत तो सुम्बुल से पहले चली जानी चाहिए थी, सुम्बुल डिज़र्व करती थी फिनाले, लेकिन सुम्बुल को षड्यंत्र और साजिश के तहत निकाला गया। लेकिन हाँ निमृत में भी ऐसा ही कुछ स्वाद आ रहा है क्योंकि निमृत कौर आहलूवालिया का इक्वेशन हुआ है मिडनाइट इक्वेशन। जनता के वोट के आधार पे जो भी जनता बुलाई गई थी बिग बॉस की तरफ से उनके आधार पे ये इक्वेशन किया गया है। वेल आपको क्या लगता है, क्या निमृत वाकई डिजर्व यहाँ तक करती थी या फिर उनको इससे भी पहले निकाल देना चाहिए था? लिखिएगा ज़रूर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में। और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।